यह है भारत की कठिन यात्राओं में से एक, किन्नौर कैलाश यात्रा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपको एक और कैलाश दर्शन की ओर लेके चल रहा हूँ, जहाँ पर जाने से पहले मैंने अपने घर में विराजमान सभी देवी देवताओं से आज्ञा ली कि मेरी यात्रा पूर्ण करें, जिसके बाद मैं निकल पड़ा कश्मीरी गेट बस स्टैंड की तरफ। मैं आ चुका हूँ कश्मीरी गेट बस स्टैंड। मैं जा रहा हूँ, हमारी है बस रेकोम्पियो की तरफ, जो कि मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 20 से लेकर 25 के बीच में। हमारा प्लेटफॉर्म नंबर है, मैं आपको अभी बताता हूँ कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने टाइम पे मिलेगी। स्टेशन नंबर 17 है, जहाँ पे हमारी बस खड़ी है रेकोम्पियो की। यहाँ से हम जाएंगे रेकोम्पियो की तरफ। चलते हैं, अपनी सीट पकड़ते हैं और देखते हैं कैसी रहेगी हमारी यात्रा रेकोम्पियो की। ठीक 8:10 पे हमारी बस निकल चुकी है रेकोम्पियो के लिए। दिल्ली में इतनी गर्मी है कि पसीने आ रहे हैं अभी मुझे बैठे बैठे बस के अंदर। अब तक की मेरी बस की सबसे लंबी जर्नी होने वाली थी ये। 20 से 21 घंटे लगने वाले थे मुझे रेकोम्पियो पहुंचने के लिए। सुबह होते ही सबसे पहले हम शिमला पहुंचे। शिमला बस स्टैंड पे आधे घंटे हॉल्ट था स्टेशन पे, जिसके बाद बस निकल पड़ी आगे की तरफ। बीच में हमें लंच के लिए समय मिला तो मैंने पेट भर के लंच कर लिया। उसके बाद रामपुर होते हुए हम पहुंचे अपने फाइनल डेस्टिनेशन रेकोम्पियो। आ चुका हूँ पवारी, पीछे आप देख रहे हैं बोर्ड, ये हमारी बस है जो अभी छोड़ के जा रही है कैंची पे। यहाँ से नीचे की तरफ है क्या पवारी और ऊपर जा रहा है रेकोम्पियो। यहाँ से हमें जाना है टंगलिंग गांव की तरफ, जहाँ पे हमें हमारे गाइड सपना भंडारी जी मिलेंगी। वो हमें आगे के लिए प्लान बताएंगी कैसा आज का प्लान है। 360 व्यू देखिए, पीछे का अगर मैं पहाड़ दिखाऊँ नज़ारा है सुंदर, और वहाँ क्या तो अल्टीमेट ही नज़ारा है। बाकी अभी हमारी सपना जी से बात हुई है, वो आ रही हैं अभी हमें लेने। कुछ देर बाद सपना जी आई रेकोम्पियो की बस से, जो कि हमें टंगलिंग गांव की तरफ लेके गई बस में। अभी मैं आ चुका हूँ टंगलिंग झूला के पास, जो कि पवारी से लगभग 1 से 2 किलोमीटर पहले है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे टूर की मैनेज करने वाली सपना जी यहाँ पे आ चुकी हैं, हमें गाइड करेंगी आज का दिन कैसा रहेगा, क्या क्या हमें फॉलो करना है, क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे यात्रा के समय पे, सारी बातचीत आपको बताऊँगा। पहले ये जो इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस टंगलिंग झूला है, इसको झूले में पार करेंगे, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे सपना जी से। अंदर से बहुत ज़्यादा धुक 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 हो रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल तैरना नहीं आता और ये एक रस्सी पे पुल बना हुआ है। बाकी देखते हैं कैसा रहेगा अपना सफ़र। ये जो झूला है, इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सूचना है। देखे हैं उस सबसे दुनिया के एडवेंचरस झूले के ऊपर टंगलिंग झूला। नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, बैठो बैठो।
देखो क्या नजारा है। झूला पार करने के बाद हमारे पास ये दो रास्ता आता है, एक तो राइट की तरफ सीधा जाता है जिसपे गाड़ियाँ जाती हैं, बट हमें जो सीढ़ियाँ जा रही हैं इसके थ्रू ऊपर जाना है। तो इसी सीढ़ियों के साथ हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। स्टार्टिंग के 1 से 1.5 किलोमीटर लगभग हमें चल के जाना पड़ता है उनके होम स्टे की तरफ, जहाँ से हमारी यात्रा अगले दिन शुरू होगी। चलते चलते मैंने सपना जी से इस यात्रा के बारे में बहुत सारी क्रूशियल इम्पॉर्टेंट जानकारी इकट्ठी की, जो कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। सपना जी से बात करते हुए हमें पता चला कि यात्रा की परमिशन के लिए गांव वाले गांव के इष्ट देवता जी को पूजते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं, जिनका नाम प्रकाश शंकर जी हैं। उन देवता का पूजन होता है और उनसे परमिशन ली जाती है, जिसके बाद इस यात्रा को शुरू किया जाता है, जो कि आपको सामने दिख रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं यात्रा के बारे में, जो आपको करनी है और नहीं करनी है इस यात्रा के दौरान। एक घंटे चलने के बाद हमारी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि फर्स्ट चेक पॉइंट, यहाँ स्टे करेंगे आज रात। और यहाँ का ज़रा मैं इन्वायरमेंट दिखाता हूँ कितना सुंदर है। तो ये है हमारा नज़ारा रूम का, ज़रा देखिए होम स्टे की बात। जय बोले, यहाँ पे आपका है होम स्टे, आज रात हमारी यहाँ पे बीतने वाली है। विद अवर पार्टनर फ्रॉम आसाम सर, मिस्टर रूपम बोरो सर, ये हमारे साथ कैलाश यात्रा के लिए आए हैं फ्रॉम असम। गुड इवनिंग फ्रॉम किन्नर कैलाश। अभी अभी जस्ट आते ही मैं नहाया, शॉर्टेज ऑफ क्लोथ की वजह से मैंने वही पहन लिया जो मैंने पहना था, बट इतनी ताजगी महसूस हो रही है और पीछे का व्यू जरा देख रहे हैं। अभी थोड़ा फ्रेशनेस फील हो रहा है, फटाफट से डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद एक कॉफी लेने के बाद सो जाएंगे। तो अभी एक कॉफी शॉट के बाद अब हमारा डिनर का टाइम हो गया है। आप डिनर करेंगे, फटाफट से नींद पूरी करेंगे, क्योंकि नींद जरूरी है नेक्स्ट डे ट्रैक के लिए। चलिए देखते हैं आज के लिए क्या बना है हमारे लिए डिनर के लिए। हमारे लिए गाँव का सात्विक रीजनल भोजन तैयार किया गया, जो कि मैंने चाव से खाया। अगला दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला था। वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग फ्रॉम किन्नौर। अंधेरा है, सुबह 4 बज रहे हैं, फटाफट से फ्रेश होते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपनी यात्रा के लिए। अभी मॉर्निंग में हमें सामान देखना पड़ेगा कि क्या हमें ले जाना चाहिए क्या नहीं, इसलिए
अलग से जो कपड़े जो नेसेसरी चीज़ें नहीं हैं वो एक अलग बैग में रख दीजिए और उसे यहाँ पे छोड़ दीजिए। सुबह के लगभग 5:15 से 5:30 बजने वाले हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं जिस पहाड़ी के हमें इस पहाड़ी के पीछे हमें जाना है जहाँ पे हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट है, जहाँ पे हमें फर्स्ट डे रुकना है। बादल इतने ज़्यादा हैं, लग रहा है कि मौसम आज ख़राब है। बस भगवान भोलेनाथ हमारा साथ दें तो हमारी यात्रा दिख रही है जितनी थोड़ी खूबसूरत हो जाएगी। जस्ट अपने रूम्स के आगे ये सारी गार्डनिंग देख रहे हैं और ये जो एप्पल्स के फ्रूट्स एप्पल के ट्रीज हैं ये इन्हीं के हैं सारे। ब्यूटीफुल व्यू के साथ हमारी आ चुकी है ब्यूटीफुल कॉफी। थैंक यू, चीयर्स टू माउंटेन्स। बैकपैक है रेडी और हम चलने वाले हैं, अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं सपना जी के आशीर्वाद से। और इसी जय घोष के साथ हमारी यात्रा शुरू हुई किन्नौर कैलाश की। बारिश के समय में अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि आप शूज ग्रिप वाले पहन के स्टिक ऐसी जरूर लें जिससे कि आप इजली चढ़ पाए, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अगर आप बारिश में आते हैं। ये है कैलाश का आखिरी ढाबा। यहाँ पे पहले सपना जी का हमें नंबर मिला था जिसके थ्रू हम उनको कांटेक्ट करके आ पाए, जो कि नीचे होम से आपने देखा। तो पीछे पूरा उनका ढाबा है, आखिरी ढाबा। इसके बाद आगे कुछ भी नहीं मिलता आपको। कैलाश के आखिरी ढाबा के बाद अब थोड़ी से ढलान आ चुकी है। हमारे लास्ट नाला आता है जहाँ से आप पानी भर सकते हैं। इसके बाद आगे पूरे रास्ते पर आपको पानी नहीं मिलेगा, इसलिए वाटर बॉटल खाली ज़रूर कैरी करिएगा। यहाँ पर फ्रेश वाटर कैरी करिएगा जिसके बाद आपको आगे कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये है वो नाला जहाँ पे आपको आखिरी बार पानी मिलेगा। इसके बाद ऊपर गणेश गुफा तक कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से भरिएगा क्योंकि डिहाइड्रेशन शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। किन्नौर कैलाश हिंदुओं व बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। किन्नौर कैलाश हिंदुओं के लिए एक आस्था का प्रतीक है। किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तिब्बत सीमा के समीप स्थित है। किन्नौर कैलाश एक पर्वत है जो समुद्र तल से 6050 मीटर लगभग 21,000 से 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्टार्टिंग में इतनी खड़ी चढ़ाई है तो आगे क्या हाल होगा हमारा। हिंदू धर्म में इस हिमखंड को भगवान शिव के प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। किन्नौर कैलाश की परिक्रमा भी की जाती है। मेरे फेस पे स्वेट देख के बता सकते हो आप कि कितनी टफ चढ़ाई है। अभी तो हम 10% भी नहीं आए जो हमें पूरा आगे तक जाना है। बस भोलेनाथ साथ दें तो यात्रा जरूर पूरी होगी। बीच में एक ऐसा कट आता है जिसमें राइट की तरफ जंगल की तरफ जा रहा है जहाँ वो सर खड़े हैं और लेफ्ट हमारे गाइड की तरफ जा रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट अगर आप इधर आ रहे हैं तो एक ना एक गाइड ज़रूर लीजिए किसी गांव के लोकल से, अदरवाइज रास्ता ऐसा है कि आप भटक सकते हैं और ये 100% हो सकता है। कहाँ आपका पत्थर बड़ा पत्थर है ये। अगर बीच में हॉल्ट लेने के लिए आप अगर
टेंट वगैरह लगा के स्टे करना चाहो स्टे कर सकते हो। यहाँ पे इतना फ्लैट सरफेस है पूरा। ये रहा हमारा पराठे, कॉफ़ी अभी निकलने वाली है और अभी हम इस पर्वतों के बीच में, पेड़ों के बीच में, जंगल के बीच में यहाँ पे बैठ के नाश्ता करेंगे। कॉफ़ी और पराठे रेडी हैं। प्रकृति के बीच में बैठकर, प्रकृति की गोद में बैठकर नाश्ता करने का आनंद ही अलग है, आप अनुभव कर सकते हैं। ये कॉफी पराठे के बाद वापस निकल चुके हैं हम अगेन खड़ी चढ़ाई के लिए। ऑलमोस्ट हम टंगलिंग झूले से लगभग 3.5 किलोमीटर ऊपर आए हैं। अभी हमें ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर और ऊपर जाना है, तब जाके हमारे गणेश पार्क आएगा, इसके बाद गणेश गुफा, अगर मौसम ठीक रहा तो। दर्शन कैसे रहे? बहुत बढ़िया। जरा नीचे देखिए, मजा आ रहा होगा देख के, चढ़ने में हमारी हालत खराब हो रही है। ये पौड़ी से आने का रास्ता है इधर से। सबसे बढ़िया कौन सा है? जिधर से हम आए इधर से, टंगलिंग वाला, और ये पौड़ी का है। दोनों रास्ते यहाँ पे आके मिलते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा बोर्ड लगा होगा। Look at the incline, कितनी खड़ी चढ़ाई है, ऑलमोस्ट 80 डिग्री खड़ी चढ़ाई है। ये पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा चढ़ाई चढ़ाई, मतलब लगभग हम 80 डिग्री वर्टिकल स्टेयर्स चढ़ रहे हैं। इतनी हालत खराब तो कभी नहीं हुई। जय बोले, जय बोले। नीचे जो आप विलेज देख रहे हो टंगलिंग, वहां से अभी हम आ रहे हैं। दिखने में तो बहुत पास दिख रहा है, हालत हमारी खराब हुई है। जय भोले। तो फाइनली वो जो आप देख रहे हैं ऊपर, वो टेंट्स वगैरह कुछ विजिबल है। ऑलमोस्ट हम गणेश पार्क पहुंचने वाले हैं। ये पूरा एरिया गणेश पार्क का है। हालत थोड़ी नाजुक होती जा रही है अब। धूप की वजह से थोड़ा सा एनर्जी लो है, धूप बहुत तेज है, एक तो पानी भी नहीं है धर की साइड,
आगे अगर अच्छा पानी मिलेगा तो पेट भर के पानी पीऊंगा। जो आपने नीचे टेंट देखा था वो एक्चुअली में हमसे जो अगला बैच आ रहा है सपना जी ने उनके लिए बुक किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन थोड़ा सा दूर आने का वर्थ है क्योंकि यहाँ से जो टॉप ऑफ द व्यू है ये लग चुका है हमारा सेटअप। कुछ देर में इसका हाइपरलैप्स मैं आपको दिखाऊंगा, इनके आसपास के जितने क्लाउड्स हैं। और हमारा रास्ता है वो जो जिगजैग जा रहा है, जिगजैग फॉलो करते हुए हमें वहाँ से जाना है वो जो आपको दिख रही है गुफा, वो है गणेश गुफा। शिव जी किधर? ये सामने जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये सामने है इसमें जो छोटा वाला है, वो छोटा वाला जो बीच में जो पत्थर जैसा ऐसा बताया दिख रहा है। हां दिख गया दिख गया, ज़ूम करके दिख गया। हां ये हमने जाना वहीं पे कल 14 से 15 हज़ार फीट हाइट पे। ये हमारा लंच रेडी है। लगभग 15 से 16 हज़ार फीट हाइट पे हैं हम। अभी लंच करने के बाद पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस टेंट में मैंने स्टे किया, और इस टेंट में स्टे करने के बाद लगभग आधे घंटे पौने घंटे मैंने पावर नैप लिया, सोया, नींद पूरी की। उससे पहले एक्लेमेटाइज़ किया क्योंकि एकदम से सोऊंगा तो फिर दिक्कत होती है बॉडी को, तो एक्लेमेटाइज़ किया, थोड़ा लंच किया, थोड़ा वॉक किया, ड्रोन उड़ाया, शॉर्ट्स आपको दिखाए। अब वापस पैक करके सामान जा रहे हैं हम उधर से, उस रास्ते से होते हुए आपका जो उधर गुफाएं दिख रही हैं गणेश गुफा, वहाँ तक हमें जाना है। रास्ता काफ़ी कठिन है, कह रहे हैं कि वो बस गुफा तक पहुँचने के लिए 2 से 3 घंटे लगता है। भगवान भोलेनाथ छुप गए, अभी दिख रहे थे बादलों में छुप गए, बस भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो ज़रूर दर्शन हो गए। जहाँ से अभी हम आ रहे हैं एग्जैक्ट पार करने में चट्टानों को पार करते हुए नाला आएगा, नाला पार करते हुए गुफा आएगी, वहाँ पे हमारा स्टे है। चलते हैं। जय बोल जय बोल। मेहनत वसूल है यहाँ पे, इतनी मेहनत के बाद इतनी ऊपर आए हैं, और अभी जिगजैग करते हुए आगे फिर नाला पार करते हुए गुफा। जय बोले। देखिए हमारे पोर्टर और गाइड साहब कैसे बोल्डर्स में से चल के जा रहे हैं।
आप शायद पहली फीमेल हैं जो मुझे पूरी यात्रा पे दिख रही हैं। जी सर। कैसे इतनी हिम्मत कैसे जुटाई आपने? अरे सर पूछे नहीं, ऊपर तो कितना कठिन है वो। ऊपर तो है ही, इतनी हिम्मत कैसे आई? बस ये था कि चार कैलाश हो गए थे, सोचा पांचवा भी करना है। हाँ। और बस मतलब ये जिद ठंडी थी, करना ही है। कुछ फीमेल्स के लिए इम्पोर्टेंट नोट दोगे कुछ कि वो यहाँ पे आना चाहें या नहीं? हाँ मतलब हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सच में बहुत टफ, और पहला स्ट्रेस ही काफ़ी टफ है लेडीज़ के लिए। तो चलिए, जो ईश्वर जहाँ तक पहुँचा रहे भोले बाबा की सब कृपा। जय भोले। जैसा कि आपने देखा, अगर विल पावर हो तो कोई भी आ सकता है। इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल और अ चाइल्ड, कोई भी आ सकता है अगर आपकी विल पावर हो। अदरवाइज़ यहाँ पे जो यंग लड़के हैं वो पास तक आके बिना दर्शन के भी वापस आ जाते हैं। पार्ट ऑफ दिस यात्रा, आवाज़ मेरी बहुत कम आ रही होगी क्योंकि अब हमें नाला पार करना है, वो भी नंगे पैर। तो ये है वो नाला जिसे हमें पार करना था, और नीचे है आपका कल्पा सिटी, रखमपियो वगैरह। अभी हमें जाना है वो जो आप देख रहे हैं गुफा, वहाँ तक जाना है विजय करते हुए। 1993 से पहले इस स्थान पर आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध था। 1993 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ 40 फीट ऊंचे शिवलिंग हैं, यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पूजनीय स्थल है। इस शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए इच्छा लिए हुए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अगर मैं पौराणिक महत्व के बारे में बात करूँ तो किन्नौर कैलाश के बारे में अनेक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के विचार में महाभारत काल में इस कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहाँ भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्त हुई थी। यह भी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम समय यहीं गुजारा था। नाला पार करके पीछे का जरा नज़ारा देखिए, कितना सुंदर है। ओ गोल्डन जो शाइन आ रही है बादलों में से, एक अलग ही व्यू देती है। ये शाइन जब आपकी किन्नौर कैलाश में पड़ती है तो रेड, गोल्डन और गुलाबी अलग अलग कलर से शाइन करते हैं। अभी से जो आप सिटी देख रहे हो वो है कल्पा सिटी, जहाँ से डायरेक्ट किन्नौर कैलाश के दर्शन होते हैं। ये हमारी चट्टान के बीच में गुफा, जहाँ अपना स्टे है, हवा के दूर देखते हैं, हवा ना लगे रात में बस। सो दिस इज़ द एंड पॉइंट ऑफ गुफा जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। पूरा क्लाउड से ढका हुआ है आपका रेकंगपियो, कंगलिंग और माउंटेंस, ऊपर चांद दिख रहे हैं बस। यहाँ पे हमारी गुफा है जिसके नीचे हमारा स्टे है, ईंट से ढका हुआ है ताकि हवा ना लगे रात में, क्योंकि यहाँ पे ठंड डबल से ट्रिपल लगती है। एंटर कर चुके हम अपनी गुफा में, यहीं पे हम चार लोगों को सोना है। हमारा खाना जो हमने नीचे से पैक किया था खुलने वाला है हमारे भंडारे के लिए, अभी हम बिछाएंगे यहाँ पे और खाएंगे। इट्स सर गुफा के बीच में वापस से केव मैन बन रहे हम। ये गर्मा गर्म हमारे लिए चपाती निकली विद सब्जी, लपेट के खाएंगे क्योंकि डिस्पोजल यहाँ पे अलाउड नहीं है इस गुफा के अंदर।
इतनी ऊपर तक ये रोटी मिलना भी बहुत नसीब की बात है। क्यों भाई? और क्या समझ चाहिए इसके लिए, क्या चम्मच करना है। और ये हमारे स्लीपिंग बैग में पैर घुसे और गुड नाइट होने वाली हमारी। वापस के मैन बन चुके हम। इस गुफा के बीच में रह रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। गुड नाइट। स्लीपिंग बैग में घुस चुके हैं, कान कवर कर लिया, मुँह कवर नहीं हो रहा, और सोने वाले। ठंड इतना ज़्यादा है कि फॉग अंदर तक आ रहा है। बस भगवान से दुआ है बारिश ना हो। बारिश ना हो। बोले गुड नाइट। अगले दिन हमारा मिलन होना था महादेव शिव जी से। सुबह के बज रहे थी, प्रेम जी के मुताबिक अभी निकलना है। क्या करना चाहिए, फॉग बहुत ज़्यादा है, बाहर कुछ भी विजिबल नहीं है, जीरो विजिबिलिटी है। ऑल सेट विद द गियर। सुबह के बज रहे 3, निकलते हैं फिर यात्रा के लिए। जय बोली जी। इट्स ऑल बोल्डर्स ट्रैक जहाँ पे विजिबिलिटी कुछ नहीं है, बस आगे जो चल रहे हैं उनके भरोसे हम चल रहे हैं आगे। एक पत्थर का शेड लेके यहाँ पे हम बैठे हैं क्योंकि बाहर झीमी झीमी सी बारिश हो रही है। बारिश के टाइम पे इन बोल्डर्स का खिसकने का डर रहता है, इसलिए पत्थर की ओट लेके हम बैठे हैं। ये पोर्टर एंड गाइड हमारे बिना रेनकोट के थे इसलिए छुप के बैठे हैं पत्थर के नीचे शेड में। कैसा लग रहा ऊपर से? ऑलरेडी इतने सारे पत्थरों को पार करते हुए आ रहे हैं। इधर है हमारे ब्रह्म कमल फूल, आपको फ्लैश जला के दिखाता हूँ। मुड़ मुड़ कर पीछे मैं बार बार यही देखकर सोच रहा था कि इतनी ऊंचाई पर महादेव मुझे कैसे लेके आ जाते हैं। ऊपर तक जाना है, उसके बाद हमारा आएगा पार्वती कुंड जो कि डिक्लाइन में है नीचे। वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, वापस से एनर्जी लेंगे क्योंकि उसके बाद सीधी खड़ी चढ़ाई है बोल्डर्स की, किन्नर क्लास की। चलिए जय शंभु। लगभग 19,000 से 20,000 फीट की हाइट पर पहुंचते पहुंचते चढ़ने में दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। कुछ देर में ही बादल छटे और हमें दर्शन हुए किन्नौर कैलाश के। दर्शन होते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मानो एक अलौकिक शक्ति ऊपर बैठकर हमें बुला रही है, जिसकी ओर हम खींचे चले आते हैं बिना किसी ताकत के, बस चलते रहते हैं। आपको जो दो फ्लैग्स दिख रहे हैं वहाँ पे पार्वती कुंड है, पास में जाके दिखाता हूँ कैसा है। बीच में आता है पार्वती कुंड जहाँ पर पार्वती माँ और शिव जी का मिलन हुआ था। यहाँ आपका पार्वती कुंड जहाँ हम अभी रुके थे, इतने बोल्डर्स पार करते हुए इतनी दूर आए
यहाँ थोड़ा सा हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। जब तक बैठकर हम थोड़ा सा नाश्ता करें, तब तक ज़रा मेरी उड़न तश्तरी से नज़ारे तो देखिए हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय। बोल्डर देख लो, खड़ी चढ़ाई पार करके आ रहे हैं। बारिश की वजह से जो कंकड़ी वाले मिट्टी है वो फिसल रही है, जिसकी वजह से चढ़ना थोड़ा सा हार्ड हो चुका है। हमारे दो लोग आगे चल रहे हैं और मैं थका हुआ पीछे आराम से चल रहा हूँ। यात्रा करते हुए मन में बस एक ही बात घूमती रहती है कि एक एक कदम चलता हूँ मैं जो महाकाल तेरे दर्शन पाने को, तो 100-100 कदम बढ़ाते हैं महाकाल मुझको गले लगाने को। वर्टिकल 70-80 डिग्री इंक्लाइन विद बोल्डर्स, जिसमें भरभरी मिट्टी भी है जो कि गीली हो चुकी है, जिसकी वजह से पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहा है। पैर रखते ही सारे पत्ते नीचे गिर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने सावन में होने वाले किन्नौर कैलाश यात्रा के बारे में सुना होगा। तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के बाद किन्नौर कैलाश को ही दूसरा सबसे बड़ा कैलाश पर्वत माना जाता है। सावन का महीना शुरू होते ही यहाँ पर बाबा के भक्तों का सैलाब लगना शुरू हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की इस जगह को सबसे खतरनाक भी कहा जाता है। किन्नौर कैलाश के सदियों से हिंदू व बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। इस यात्रा के लिए देश भर से लाखों भक्त किन्नौर कैलाश के दर्शन के लिए आते हैं। बस एक ही फर्क है स्वर्ग में और कैलाश में कि स्वर्ग में तो देव रहते हैं और हमारे कैलाश में महादेव रहते हैं। यहाँ के शिवलिंग की जो खास बात है वह है कि दिन में ये कई बार रंग बदलता है। सूर्योदय से पहले सफ़ेद, सूर्योदय पर पीला, मध्यकाल में यह लाल हो जाता है, इसके बाद फिर क्रमशः पीला सफ़ेद होते हुए संध्या काल में काला हो जाता है। इसके बदलते रंग का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। कुछ लोगों का मत यह भी है कि स्फटिकीय रचना यह है और सूर्य की किरणों के विभिन्न कोणों में पड़ने के साथ ही यह चट्टान रंग बदलती नजर आती है। किन्नौर कैलाश की यात्रा मानसरोवर और अमरनाथ की यात्रा के समान कठिन माना जाता है। यह यात्रा हर साल सावन के महीने में आरंभ होती है। यात्रा को पूरा करने के लिए लगभग 2-3 दिन लगते हैं। यह यात्रा 1993 से पर्यटकों के लिए खोला गया है। यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में ब्रह्म कमल फूलों को देखा जा सकता है। यात्रा के दौरान ऑक्सीजन की कमी होती है। अपने साथ गर्म कपड़े, टॉर्च, डंडा, जुराबें, पानी की बोतल, ग्लूकोज और जरूरी दवाइयां साथ जरूर रखें। यात्रा के दौरान जड़ी बूटियों और खासकर ब्रह्म कमलों फूलों को नुकसान न करें। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय विनाक हस्ताय सनातनाय यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय विनाक हस्ताय। तो इतनी मेहनत के बाद पहुंच चुके हैं हम महादेव के घर, महादेव के स्थान किन्नौर कैलाश के समीप। नमः शिवाय।
भगवान शिव की तपोस्थली किन्नौर के बौद्ध लोगों और हिंदू भक्तों की आस्था का केंद्र किन्नौर कैलाश समुद्र तल से 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल सैकड़ों शिव भक्त जुलाई व अगस्त में जंगल व खतरनाक रास्तों से होकर किन्नौर कैलाश पहुंचते हैं। किन्नौर कैलाश की यात्रा शुरू करने के लिए भक्तों को जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 स्थित पवारी से सतलुज नदी पार कर तंगलिंग गांव से होकर जाना पड़ता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो किन्नौर कैलाश के पास बैठते ही मेरे आंख से आंसू छलक गए। पता नहीं क्यों, मुझे खुद समझ नहीं आया मैं क्यों रो रहा हूं। बस मैं रोता गया और 3 से 5 मिनट हो गए मेरे आंख से आंसू ही बंद ना हो। उसके बाद हमारे गाइड साहब ने आवाज़ लगाई, चलिए वापस जाने का समय हो चुका है, बादल आ रहे हैं, मौसम ख़राब हो रहा है, वापस नीचे चलते हैं। उसी को सुनते हुए वापस उठा और चल पड़ा। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय धिम धिम ताता धिम धिम तक तर्क नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय। किन्नौर कैलाश के पास आपका एयरटेल का नेटवर्क मिलता है, जहां से मैंने लाइव किया था इंस्टाग्राम पे। अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं तो इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फोर्थ कैलाश के दर्शन पूर्ण हुए, कैलाश के दर्शन करते ही 360 व्यू देखिए जरा, बादल ही बादल है आसपास। चौथे कैलाश किन्नौर कैलाश के दर्शन पूर्ण हुए, लगभग 1 घंटे आराम से बिताने के बाद, गाइड जी को परेशान करने के बाद वो लेट हो रहे हैं नीचे जाने के लिए। नीचे चलते हैं क्योंकि नीचे चलते चलते मौसम भी ख़राब हो रहा है, देखिए बादल आ रहा है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी नीचे ही पहुँच रहे हैं ताकि बारिश में दोबारा से ना भीगें, क्योंकि सुबह ऑलरेडी भीग चुके हैं। धन्यवाद भगवान बुलाने के लिए, आज्ञा दीजिए आप वापस जाने के लिए। जय भोले। अगेन फिर से टप टप करके बारिश शुरू हो गई, हमने उधर की छांव ली है क्योंकि पीछे अगर आप देखेंगे बाहर बारिश ही बारिश हो रही है, जैसे कि जाते हुए हमें मिली थी। बट हमारे जो दर्शन हुए इतने क्लीन, इतने सुंदर हुए, शायद ही किसी को बारिश के बाद इतने अच्छे सुंदर दर्शन हुए। हाथ पैर बैठ कर रहे हैं, पैर भी थक चुके हैं और हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, गुफा की तरफ जहाँ पे हमारा स्टे था रात में। यह है हमारे ब्रह्म कमल जो कि हमारे शिव जी को बहुत ही प्रिय हैं, और जहाँ पर हमारे शिव जी निवास करते हैं वहीं पर ये पाए जाते हैं। वापस हमारी गुफा में मैगी खाने के बाद हम निकल पड़े हैं नाला पार करने, जो कि बहुत ही भयानक है। उसके बाद हमें जाना है वो जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे हमने कल लंच किया था, वहाँ पे आज हमारा स्टे है रात में। जा रहे हैं हमारे गाइड साहब, यहाँ से नाले के बाद ही जगह है जो कि चढ़ाई है, अदरवाइज
पूरे रास्ते में वापसी की ओर सिर्फ उतराई है। देखिए जरा हमारे गाइड और हमारे साथ में आए जो आसम से सर हैं, चढ़ाई कर रहे हैं वापस से। इतनी चढ़ाई करके वापस नीचे आए हैं, नीचे जाते हुए फिर से चढ़ना पड़ रहा है। टांगे लगभग जवाब दे चुकी हैं और अभी मुझे जो आपको लेन दिख रही है वहाँ तक टेंट तक जाना है। यह है पूरा गणेश पार्क जहाँ के टेंट से और वो यहाँ से व्यू है। फिर से बादल आ गए, अभी तक मैंने क्लियर देखे थे। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हमारे साथ हैं सपना भंडारी जी, इनके थ्रू ही मैं ये यात्रा कर पाया हूँ। इनका नीचे होम स्टे है, इनके थ्रू यहाँ पे जितने भी आपको टेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे स्टे करा हमने। ऊपर तक इन्हीं के गाइड के थ्रू हम गए जिनको रास्ता सबसे अच्छी तरीके से पता था। यहाँ के लोकल्स भी उनसे रास्ता पूछ रहे थे क्योंकि हर एक साल पे यहाँ पे रास्ता चेंज होता रहता है। तो सपना जी कैसे, मतलब नाम कैसे पड़ा यहाँ पे? लोग किन्नर कैलाश कहते हैं, तो किन्नर कैलाश है या फिर किन्नौर कैलाश है? किन्नौर वैसे तो ये जैसे लोग बोलते हैं कि किन्नर कैलाश, सबसे पहले तो ये नाम किन्नर कैलाश नहीं है, किन्नौर कैलाश है। जैसे यहाँ के कई लोग बाहर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए तो उनके बोलने का मिस्टेक है कि किन्नर है, नहीं है ये किन्नौर है, ये किन्नौर में स्थित है तो ये किन्नौर कैलाश है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बोलते थे कि यहाँ पर पहले से ही हमारे जो किन्नौर के जितने भी देवी देवता हैं यहाँ किन्नौर कैलाश को पूजते हैं, तो हम तो बचपन से आज तक सुनते आ रहे हैं कि ये किन्नौर कैलाश है। कुछ शिवलिंग के बारे में फैक्ट्स बताने वाले थे जो मैंने ऊपर से जब ड्रोन उड़ाया एक सर्कल में तब मुझे थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दिया, उसके बारे में सपना जी बताएंगी। जैसे हम किन्नौर कैलाश पहुँचते हैं तो जब पहुंचने वाले होते हैं तो एक साइड का जो रहता है सीधे में जब हम पहुंचते हैं तो उस टाइम ये बीच से दरार लगा हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसी में ये रहता है कि शिव और पार्वती का रूप दिखता है। आपने ध्यान से देखना, जब हम ऊपर पहुंचते हैं पूरा सामने से जब दर्शन करते हैं तो तब शिवलिंग पूरा सामने से शिवलिंग दिख जाता है। तो दो तरह से रूप है शिवलिंग के, और ऐसा भी है दिन में ये धूप की किरणें पड़ने से तीन चार बार कलर भी चेंज होते हैं। अच्छा। लाल हो गया, सफ़ेद हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, ये कलर भी चेंज होते हैं, इसीलिए ज़्यादा फेमस भी है किन्नौर कैलाश। इसके हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। हिस्ट्री के बारे में ये है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं हमारे, ये 2085 से लोग यहाँ पे जाने लगे, जो लोकल्स बाहर के लोग, बहुत 1985 बहुत कम लोग जाते थे, पहले लोकल्स जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे लोगों को नेट चलने लगा, 2011-12 की बात है, उसके बाद लोगों को नेट में इसकी जानकारी मिली यहाँ पे किन्नौर कैलाश है, उस वजह से लोगों का आना जाना ज़्यादा रहा और आज तो बहुत सारे लोग आते हैं। बट जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग बोलते हैं हमारे को कि यहाँ पे जो भस्मासुर ने तपस्या की थी, बोलते हैं शिव जी ने यहाँ पे उनको वरदान दिया था। तंग में नीचे मेन मंदिर है, मंदिर में हमारे इष्ट देव हैं, उनके पूरे गांव वाले यानी पूरे किन्नौर में पूछते हैं, तो हमारे गांव में ये रहता है कि उनका नाम जो है प्रकाश शंकर जी है, उनका यहाँ पर बहुत मान्यता है। कुछ भी होता है यहाँ पर तो किन्नौर कैलाश जाने का है कि नहीं जाना है तो पहले उनसे राय ली जाती है, तब जाके ये यात्रा खुलवाते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए इनसे पूछेंगे कि ये कैसे टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, ये यहीं के लोकल हैं, नीचे ही इनका होम स्टे है, तो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी इनका डाल दूंगा, इनसे कॉन्टैक्ट करके आप बुकिंग ले सकते हैं, चाहे आप बस की बुकिंग चाहें, चाहे होम स्टे की बुकिंग चाहें, चाहे गाइड की चाहें, सारी बुकिंग्स ये देती हैं, तो उसके बारे में ये बताएंगी। जैसा रहता है हमारा ये रहता है कि सबसे पहले तो मैं सभी से यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग खुद से जाने के लिए, जो नए व्यक्ति है खुद से ना जाए, क्योंकि ये रास्ता साल साल में लैंड स्लाइडिंग होती है या बारिश होने के बाद रास्ते चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग होम स्टे करवाते हैं हमारे घर पे, और सेकंड डे जो ये यहाँ पर गणेश पार्क रहता है आप देख सकते हो कैंपिंग है, हम लोग सेकंड यहाँ पर स्टे देते हैं, उसके बाद थर्ड जो रहता है आज का गुफा में देते हैं, फिर हम फोर्थ डे ये रहता है मॉर्निंग में जाके
शिवलिंग के दर्शन करके वापस शाम को यहीं पर ही गणेश पार्क पे आते हैं। इसमें उसके बाद जो रहता है मॉर्निंग में पांचवें दिन हम तंगलिंग में अगर कोई रहना चाहे तो स्टे देते हैं, नहीं तो अगर टाइम से कोई पहुंच के घर वापस भी जा सकते हैं। तो इसमें टूर में ये रहता है, सबसे पहले तो मेन गाइड भी रहता है, जैसे ट्रैकिंग गाइड हो गए, माउंटेन गाइड, उसके बाद पोर्टर्स के हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे खाने पीने का सामान कुछ भी नहीं है, जैसे आजकल तो यहाँ पे टेंट लगे हैं, वैसे यहाँ पे सब कुछ प्रबंध हमारे को खुद को करना पड़ता है। तो मैं यही गाइड करूँगी सभी से कि आप खुद से जाने की ट्राई ना करें, यहाँ के लोकल्स से आप कॉन्टेक्ट करें। ये भी है कि साथ में जाने के लिए जैसे कि SDM या DC से परमिशन ज़रूर लेनी पड़ती है। अगर कहीं खुदा ना खास्ता यहाँ रास्ते बहुत ख़राब है, अगर आप लोग खुद से भी जाते हैं तो बिना परमिशन से जाओगे तो आप कुछ हो जाए तो यहाँ पता नहीं लगता, अगर परमिशन लेके भी जाओगे तो कुछ हो जाता है, तो आपको गवर्नमेंट यहाँ पे पूरी हेल्प करते हैं। तो इस तरह हमारी पूरी बातचीत हुई सपना जी से, जिन्होंने हमारा टूर ऑर्गेनाइज किया। एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़, इनके बहुत सारे एप्पल के ट्रीज हैं, तो अगर आप एप्पल खाना चाहें तो इनके पास बहुत सारे एप्पल्स मिलेंगे, आप आके बैठ के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी भी लगेंगे। चलिए इसी के साथ धन्यवाद बोलेंगे सपना जी को, उन्होंने हमारा ऑर्गेनाइज किया। नमः शिवाय, तस्मै शिखराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है हमारी किचन, यहाँ पे हमारा बन रहा है डिनर। डिनर करेंगे और वापस चलेंगे अपने टेंट में गुड नाइट स्लीपिंग के लिए। बज रहे हैं 5:30, वापस बैक पैक करके निकल रहे हैं हम टंगलिंग विलेज के लिए। स्वरूपाय जटाधराय विनायक हस्ताय सनातनाय स्वरूपाय। वापसी में आ चुके हैं अभी, आखिरी ढाबा कैलाश का आखिरी ढाबा, जो कि लगभग 2015 में इसका नाम रखा गया था, क्योंकि इससे आगे कुछ भी आपको खाने पीने के लिए नहीं मिलता है। मैं अंदर लेके चलता हूँ, हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। तो क्या टाइमिंग्स वगैरह क्या रहती है, सुबह कितने बजे खुलता है आखिरी ढाबे की? अच्छा, जब मर्जी रात में भी आ जाएं, 12 बजे 1 बजे गेट खटखटाएंगे आप। आंटी बोला आप लोगों ने ना? अच्छा, हम यही रहते हैं। अच्छा, आज सवेरे में रात में भी आएंगे तो भी आप खाना बना देंगे? तो जैसा मैंने आपको बात करवाई, ये थे हमारे आखिरी ढाबा के मेन ऑनर, जहाँ से आपको मिल सकता है। ये जो आपका रूट दिख रहा है, यहाँ से जाता है आपका कैलाश का रूट, और यहाँ से हम अभी वापसी की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ। अभी फ्रेश होंगे, वापस निकलेंगे दिल्ली की तरफ। तो इस तरह मेरी किन्नौर कैलाश की यात्रा पूर्ण हुई, चौथे कैलाश के दर्शन मेरे सफल रहे महादेव की कृपा से। अंत में यात्रा समाप्ति की ओर हमारे टूर गाइड के बड़े बेटे अर्णव भंडारी जी हमें बस स्टैंड तक छोड़ने आए, हमारे साथ आधे घंटे बस का वेट किया, जब तक कि मैंने बस नहीं पकड़ी, बस बिठा के ही वो वापस वहाँ से गए। तो इस तरह मेरी यात्रा यहाँ पर कैलाश यात्रा समाप्त हुई। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नए हैं चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, पुराने हैं तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। Dani 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 d